एक दौर ऐसा भी था जब मुख्तार अंसारी से एक बड़ा इलाका खौफ खाता था, लेकिन दौर बदला और मुख्तार का बाहुबल घुटनों पर आ गया। अब आलम ये है कि मुख्तार अंसारी को जेल के वार्डन से भी डर लगने लगा है। दरअसल मुख्तार अंसारी की विशेष न्यायाधीश की अदालत में 3 मामलों में पेशी हुई थी। इस दौरान मुख्तार ने जेल में हत्या की आशंका जताते हुए कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उसने सोनभद्र से ट्रांसफर होकर बांदा जेल में आए एक वार्डन से खुद को खतरा बताया था। बता दें कि बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी बंद हैं, जिसकी सुरक्षा को जिला जेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बांदा जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी से निगरानी तेज कर दी है। वहीं जेल के बाहर पीएससी जवानों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न होने पाए। जेल से बाहर पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जो लगातार अपनी नजर हर गतिविधि पर बनाए हुए हैं। वहीं सोनभद्र से आए नए वार्डन की ड्यूटी मुख्तार की बैरक के पास नहीं लगाई जाएगी। हाल ही में वार्डन का सोनभद्र से ट्रांसफर हुआ है। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि उसकी ड्यूटी अब मुख्तार की बैरक के आसपास नहीं लगाई जाएगी। व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि उसका मुख्तार से किसी भी सूरत में आमना सामना न हो। प्रयास रहेगा कि मुख्तार को अब बाहर पेशी में भी जल्दी न भेजा जाए। इतना ही नहीं, जेल के अंदर बनी चौकी को भी अलर्ट कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट है। जेल में सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करते हुए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जेल में सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन 200 जवान तैनात हैं। जेल अधीक्षक की माने तो जेल परिसर में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जवान बॉडी कैम से लैस है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि बीते दिनों अतीक अहमद की कैमरे के सामने हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए थे। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त कर दी गई थी। इसी के बाद मुख्तार अंसारी ने कई बार अपनी हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। उन पर हत्या, लूट, अपहरण, गैंगस्टर समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मामलों में तो सजा भी सुनाई जा चुकी है। फिलहाल मुख्तार पर शस्त्र लाइसेंस संस्तुति और गैंगस्टर एक्ट का मामला चल रहा है, जिसको लेकर MP MLA कोर्ट में पेशी हुई थी। विधायक निधि के दुरुपयोग का भी मामला है। आरोप है कि विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए अपनी संस्तुति दी थी, लेकिन जांच के दौरान सभी का पता फर्जी पाया गया था। इस मामले में मुख्तार समेत उन सभी पर केस दर्ज हुआ है जिन्होंने शस्त्र लाइसेंस लिए थे। इस तरह कुल 3 मामलों में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई थी और इसी दौरान उसने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी।